सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। और आप सुन रहे हो प्यार या नफ़रत। प्यार और नफ़रत के फर्स्ट पार्ट में आपने सुना था कि जो हमारी आराध्या रहती है उसे उसकी बॉस ने फर्स्ट डे में ही एक फाइल थमा दी थी जिसे उसे कंप्लीट करना था, और वो फाइल भी बहुत ज़्यादा मिस्टेकों से भरी हुई थी। क्या आराध्या उस फाइल को सॉल्व करेगी या नहीं, खुद आराध्या को पता नहीं था। लेकिन जब उसे पता चलता है अगर उसने ये फाइल जो है कल तक कंप्लीट कर दिया तो उसे इस जॉब से कोई नहीं हटा सकता है, वो परमानेंट इस कंपनी में काम कर सकती है। तो आराध्या के पास इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इस चीज़ के लिए हाँ बोल देती है। अगर ना भी बोल देती तब भी उसे ये फाइल तो बनानी पड़ती क्योंकि ये बॉस का ऑर्डर था। सो आगे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जो बॉस रहती है वो अपना लैपटॉप पकड़ के सीधा चली जाती है मीटिंग रूम की ओर, और वहाँ पे जाकर अपने मीटिंग अटेंड कर रही होती है। क्लाइंट के साथ उनकी मीटिंग अच्छी होने के बाद वो करीबन 1-1.5 घंटे के बाद वहाँ से निकल जाती है मीटिंग रूम से, और क्लाइंट भी बहुत खुश रहते हैं कि जो ये थी मतलब उस कंपनी की ओनर थी उसके साथ इनकी जो है डील फिक्स हो गया था। तो सभी ओनर उनको थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब जो क्लाइंट आते हैं वो इस यहाँ की जिस ऑफिस के ओनर जो उनकी बॉस रहती है उसे थैंक यू बोल के यहाँ से चले जाते हैं। और जो ये रहती है इनकी बॉस वो चली जाती है अपने कैबिन में। कैबिन में जाने के बाद वो अपना जो है लैपटॉप में काम करने लगती है, और वैसे काम करने में वो व्यस्त हो जाती है, मतलब बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है उसको थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तभी उसके पास दो लड़के आ जाते हैं और बोलते हैं, हे ब्यूटीफुल, कैन आई हेल्प यू, अगर तुम चाहो तो। तो आराध्या बोलती है, हाँ एक्चुअली चाहिए था मुझे, ये मेरा फर्स्ट जॉब है और मुझे उतना इस चीज़ में उतना आइडिया नहीं है कि इस फाइल को कैसे कंप्लीट करूं। मैम बता रही थी कि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक है और मुझे पता नहीं, प्लीज़ हेल्प कर सकते हो। तो वो लोग जो हैं आराध्या के सामने इम्प्रेस जमाने के चक्कर में वो लोग हाँ बोल देते हैं और उसकी हेल्प करने लगते हैं। तभी जो ये रहती है उनकी बॉस वो जो है अपने कैबिन में वहाँ प्यून को बुलाती है और बोलती है, मेरे लिए कॉफ़ी लाओ। तो उसके बाद जो ये रहता है प्यून वो कॉफ़ी लेने के लिए चला जाता है। करीबन 5 मिनट के बाद वो कॉफ़ी लेकर फिर से वापस आता है और मैम को देता है, मतलब उनके बॉस को देता है, और बोलता है, ओके मैम, तो और कुछ मैम? तो उसकी बॉस बोलती है, नो, जाओ यहाँ से। तो जो उसकी बॉस रहती है उस कॉफ़ी को पकड़ के फिर से कैबिन के सामने जहाँ से पूरा ऑफिस का स्टाफ दिखता है वहाँ पे जाकर खड़े होकर पीने लगती है। तभी उसकी नज़र जो है आराध्या के ऊपर पड़ती है। आराध्या के साथ वो दो लड़कों को देखकर जो उनकी बॉस रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपनी सेक्रेटरी के पास कॉल करती है। तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है, यस मैम। तो बोलती है, मेरे कैबिन में इमिजिएटली आओ, जल्दी फास्ट। तो जो उसकी रहती है सेक्रेटरी रहती है, ओके मैम, आई विल बी बैक, ऐसे बोल के वो कॉल कट करती है और भागते हुए बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। और वहाँ पे जाने के बाद बोलती है, मैं मैम। तो उसके बॉस बोलते हैं, कैबिन। तो उसके बाद वो सेक्रेटरी आती है, बोलती है, यस मैम, कि क्या हुआ? तो उसकी बॉस जो है उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलते हैं, यहाँ पे आओ। तो सेक्रेटरी बॉस के पास चली जाती है और बोलते हैं, यस यस मैम। तो बोलती है, ये क्या हो रहा है? तो मतलब मैम? तो बोलती है, यहाँ नीचे। तो वो बॉस जो है उसे आराध्या की तरफ पॉइंट करते हुए दिखाती है। तो सेक्रेटरी डर जाती है क्योंकि उसका हेल्प दो लड़के कर रहे होते हैं। तो जो सेक्रेटरी रहती है वो बोलती है, आई डोंट नो मैम, मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं बोला था उसका हेल्प करने के लिए। तो बोलती है, क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है? तो बोलती है, नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलती है,
तो जल्दी जाओ और उन दोनों को यहाँ मेरे कैबिन पर बुला के लाओ। तो बोलती है यस मैम मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो डरते डरते वहाँ से निकल जाती है बॉस के कैबिन से, और बाहर आकर बोलती यार ये पागल लड़कों की तो लड़की आई नहीं है, एक दिन हुआ नहीं है, उसे पटाने के लिए इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब रुको, अब उसकी इतनी इम्प्रेशन जमाने की कोशिश जो कर रहे हैं ना, अब बॉस उनके साथ क्या करती है। ऐसे बोल के जो सेक्रेटरी रहती है वो उन तीनों के पास चली जाती है आराध्या के पास। तो बोलती है हे गाइस, तो उसे देखकर वो लड़के बोलते हैं हेलो मैम। तो बोलते हैं हाय, एक्चुअली तुम लोगों के लिए कुछ काम है, बॉस ने बुलाया है। तो बोलते हैं ओके हमें। तो बोलते हैं हाँ तुम्हें, तुम दोनों को ही। तो बोलते हैं ओके ओके ठीक है। ऐसे बोल के वो दोनों जो हैं बॉस के केबिन की तरफ बढ़ जाते हैं, और जो ये रहती है सेक्रेटरी उनके पीछे पीछे जाते हैं। बोलते हैं तुम्हारी खैर नहीं बच्चे लोग, ऐसे मन ही मन वो बड़बड़ा रही होती है। और ये दोनों जो हैं बॉस के केबिन के बाहर आ जाते हैं। तो बॉस बोलते हैं सीधा अंदर आ जाओ। तो वो सीधा अंदर आ जाते हैं। बॉस जो है आराम से अपनी चेयर पे बैठी रहती है और कॉफ़ी का लुत्फ़ उठा रही होती है, और बोलती है क्या बात है, इम्प्रेस जमाना हो गया है तो काम भी कर लिया करो। तो वो लड़के जो हैं थोड़े से डर जाते हैं दोनों, और बोलते हैं क्या मतलब बॉस। तो बोलते मतलब पूछ रहे हो, वैसे लड़की बहुत अच्छी है जिसमें तुम जिसके लिए तुम ट्राई मार रहे हो। तो वो दोनों बोलते हैं नहीं मैम हम ट्राई नहीं मार रहे हैं। तो बोलते हाँ ट्राई नहीं मार रहे हो, तुम दोनों को अपना जॉब पसंद नहीं है, यहाँ पे खुद का काम करने के लिए मैं सैलरी देती हूँ, दूसरे का काम करने के लिए नहीं। तुम्हें दूसरे का काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। रुको, वो सेक्रेटरी की तरफ इशारा करती है, बोलती है वो फाइल लाओ। तो बोलती है ओ ओके मैम। तो वो एक फाइल लाती है और बोलती है दूसरे की हेल्प करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, इस फाइल को कंप्लीट करो। अगर इस फाइल को कंप्लीट करो और मुझे ये ऑर्डर 1 वीक में चाहिए, अगर ये ऑर्डर मुझे नहीं मिला तो उन दोनों को यहाँ से फायर कर दूँगी। तो बोलते बहुत से ये आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हो। तो बोलते अच्छा क्या कह रही हूँ, क्या कम सुनाई दे रहा है। ओके ठीक है फाइन, फिर से बोल रही हूँ 1 वीक में इस फाइल को कंप्लीट करो और मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ भी हो जाए, अगर ये नहीं मिला तो तुम दोनों को यहाँ से फायर कर दूँगी। और सेकंड थिंग, तुम्हें इस दिल्ली में कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना। तो वो दोनों के तो पसीने छूटने लग जाते हैं और वो डरने लगते हैं। बोलते हैं मैम प्लीज़ सॉरी, ये हमें माफ़ कर दीजिए मैम, आइंदा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, प्लीज़ मैम प्लीज़ मैम। ऐसे बोल के वो सभी वो दोनों जो हैं बॉस से माफ़ी मांग रहे होते, लेकिन वो बॉस बोलती है नो नेवर, लड़की आई नहीं, 1 घंटा हुआ नहीं, इम्प्रेस करना स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे तुम लोगों को अपने काम की सैलरी दी जाती है, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ना कि कुछ किसी और के लिए, जबकि तुम्हें पता है कि मेरे ऑफिस में ये सब अलाउ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हर एक चीज़ जो है एकदम बारीकी से किया जाता है। उसके बावजूद भी तुम लोगों ने अपनी जॉब को छोड़कर दूसरे की जॉब में इन्वॉल्व होने की कोशिश की, अब इसकी तो सज़ा तुम लोगों को मिलेगी ना। ऐसे बोल रही होती है तभी उनके कैबिन का जो है गेट ओपन हो जाता है, दरवाज़ा ओपन हो जाता है, और वहाँ से एक लड़की जो है हंसते हुए आते हुए बोलती है बस कर जाओ लेडी। ऐसे भी अपने ही ऑफिस के अपने ही एम्प्लॉय पे ऐसे कौन चिल्लाता है, इतना तो ज़रूर मत ढाया करो। तो जो बॉस रहती है उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलते अच्छा वैसे तुम्हें इस कैबिन में आने की परमिशन किसने दी, पहले मेरे सेक्रेटरी से, पहले मुझसे मिलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है पता है ना। तो बोलते ओह सॉरी सॉरी सॉरी,
बॉस होगी इन लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं हूँ, ये बात याद रखो। तो जो बॉस रहती है वो उन दोनों की तरफ इशारा करती है, बोलती है 1 वीक। ओके, वो दोनों एम्प्लॉय जो है अपना सर हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो वो लड़की जो है उनके बॉस के ऑफिस में आती है और बोलती है, लेडी लीसा, इतना भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए। तो लीसा बोलती है, अगर यहाँ पे कोई किसी को पटाने के लिए आ रहा हो ना, तो इस ऑफिस में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है, उन्हें इस ऑफिस से निकलना होगा। फालतू के लोग मुझे इस ऑफिस में चाहिए भी नहीं। तो लड़की हंसते हुए बोलती है, ओ मिस लीसा, थोड़ा सा अपने एम्प्लॉय को राहत की सांस लेने भी दिया करो। तुम तो उन पे ऐसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर देती हो जैसे काला पानी की सज़ा। तो जो लीसा रहती है वो स्माइल करते हुए बोलती है, तुम भी ना। तो बोलते हैं, ओ मैं भी ना। तो जो बॉस रहती है उसका नाम रहता है लीसा। लीसा जो है उसकी तरफ देखती है, उस लड़की की तरफ, उसका नाम रहता है जुई। वो बोलती है, जुई वैसे तुम बताओ यहाँ पे क्यों आई हो। तो जुही बोलती है, यार बहुत टाइम हो गया बाहर ही नहीं गए हैं, चलो ना डिनर के लिए जाने के लिए तुम तो रेडी होगी नहीं, लंच के लिए ही चलो। तो बोलती है, लंच के लिए सॉरी यार, लंच में एक मीटिंग है मेरी, बहुत इम्पोर्टेंट है वो मीटिंग। तो जुही बोलती है, क्या यार कभी तो अपनी इस फ्रेंड के लिए टाइम निकाला कर, इकलौती फ्रेंड हूँ तेरी, इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए। तो लीसा बोलते हैं, यार समझना, अच्छा ठीक है मैं उस मीटिंग को जल्दी से अटेंड करती हूँ। वो अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए बोलती है, मीरा तुम मीटिंग की टाइमिंग जो है सेट कर लो, 2 बजे कर लो। तो बोलती है, ओके बॉस। तो वो बोलती है, 2 बजे तो ठीक रहेगा ना मिस जुई। तो बोलते हैं, ओके ठीक है 2 बजे, कितना समय तक चलेगा ये मीटिंग। तो बोलते हैं, 1 घंटा। तो बोलते, 1 घंटा इतना टाइम। तो लीसा बोलते, यार मीटिंग है हलवा नहीं है जो मनचाहे ख़त्म कर दिया 1-2 मिनट में। तो बोलते, हाँ, वेरी फनी, अच्छा ठीक है 1 घंटा ही सही, मैं वेट कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। तो लीसा बोलती है, अच्छा बता क्या पिएगी। तो बोलती है, यार कॉफ़ी पिला दे, वैसे भी हेडेक हो रहा है थोड़ा सा। तो लीसा बोलती है, अपनी सिक्योरिटी की तरफ देखती है, मीरा जाओ कॉफ़ी के लिए बोल तो दो, ठीक है। तो मीरा बोलती है, ओके मैम। ऐसे बोल के जो मीरा रहती है वो कैबिन से बाहर चली जाती है और कॉफ़ी के लिए अपने प्यून को बोलती है। तो जो लीसा रहती है वो जुही की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हें पता है मेरे ऑफिस में कौन है। तो जुही बोलती है, कौन है। तो बोलते हैं, रुको जस्ट वेट, ऐसे बोलती है और जो रहती है उसे बोलते हैं, चल मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ के जो लीसा रहती है वो कैबिन के उस छोर पे लाती है जहाँ पे पूरे स्टाफ मेंबर दिखते हैं। तो बोलते हैं, यहाँ पे तू मुझे क्यों लाई है। तो लीसा बोलती है, रुक तो सही। ऐसे बोल के वो आराध्या की तरफ पॉइंट करती है, वो देख। तो जो जूही रहती है वो आराध्या की तरफ देखते हुए बोलती है, ये यहाँ क्या कर रही है और इसने तुझे पहचाना क्यों नहीं। तो लीसा बोलती है, अच्छी बात है ना यार, पहचान नहीं रही है, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी अब मैं इसकी जो हालत करूँगी ना, ये खुद भी नहीं सोच पाएगी ना समझ पाएगी। तो जो ही बोलते, पर यार तू बोलते, तुझे पता है ना इसने मेरे साथ क्या किया है, फिर भी तू इसका साथ दे रही है। तो बोलते, नहीं बाबा मैं इसका साथ नहीं दे रही हूँ, वैसे भी मुझे पता है इसने हम दोनों के साथ क्या किया है, ऑब्वियसली मैं भी नहीं चाहूँगी कि तुम इसे छोड़ो, जो करना है करो ओके, लेकिन प्लीज़ एक लिमिट में करना, उससे ज़्यादा नहीं। तो लीसा बोलती है, ओके प्रॉमिस तो नहीं कर सकती लेकिन ट्राई करूँगी। तो जो जूही रहती है उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलती है, क्या मतलब है। तो लीसा बोलती है, कोई नहीं कुछ कुछ नहीं। तो बोलते, देखो लीसा प्लीज़।
लीसा बोलते हैं, प्लीज़ यार प्लीज़, मुझे कोई तुम्हारी बात नहीं सुनना है इसके मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ तो जो जू ही रहती है वो बोलते हैं ओके फाइन। तो उसके बाद उनके कैबिन में जो है फिर से नॉक नॉक होता है, तो जो लीसा रहती है बोलती है अंदर आ जाओ। तो वो प्यून रहता है, कॉफ़ी लेकर आया रहता है, मैम आप तो उनकी कॉफ़ी, तो बोलते हैं हाँ वहीं पर रख दो। तो जो लीसा रहती है जूही का हाथ पकड़ती है, बोलती है चल कॉफ़ी पी ले। तो जूही बोलती है अरे दोनों जो है कॉफ़ी पीने पीने लगते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी बात कर रहे होते हैं, कुछ पुरानी बातें, और बोलते हैं यार कॉलेज का दिन ही ठीक था, तू मुझे टाइम तो देती थी। तो लीसा बोलती है तो अब क्या नहीं दे रही हूँ। तो बोलते दे तो रही है लेकिन उतना नहीं दे रही है जो पहले देती थी। तो बोलती क्या मतलब। तो बोलती हैं पहले भी पढ़ाकू थी आई नो, लेकिन मुझे तो टाइम देती थी ना, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं देती है। तो बोलती यार पर सुन दे तो रही हूँ ना, चल 2 बजे मीटिंग रहे होगा तो कंप्लीट तो 3 बजे ही होगा ना, वैसे भी अभी मीटिंग को 10-15 मिनट बचा है, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद यहाँ से चले जाएंगे। तो जूही बोलती है ओके फाइन, ऐसे बोलती है। और दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है वो उन दोनों एम्प्लॉय की तरफ देखती है, तो वो दोनों के जो है होश ही उड़े रहते हैं, वो दोनों ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो जो आराध्या रहती है वो सोच में पड़ जाती है ये दोनों मेरा हेल्प कर रहे थे, अब इन दोनों के फेस का जो है 12 क्यों बजा है। ऐसे सोच के उनकी तरफ देखती है, बोल हाथ हिलाते हुए बोलते हे क्या हुआ। तो वो दोनों जो है वो इशारा करते हैं कुछ नहीं, और वो अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि इनके बॉस ने इनको 1 वीक का टाइम दिया रहता है। अगर इन दोनों ने 1 वीक में उस फाइल को कंप्लीट नहीं किया और उस प्रोजेक्ट को हासिल नहीं किया तो उनके साथ क्या होगा इन दोनों को बखूबी पता था, इसलिए वो दोनों जो हैं उस फाइल को बनाने में लगे रहते हैं। सो हे गाइस, इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। अब देखते हैं किस स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, आखिरकार आराध्या ने ऐसा क्या किया है लीसा और जूही के साथ, जो लीसा जो है इतने गुस्से में है, और क्या करेगी वो आराध्या के साथ, ये जानना तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और दिलचस्प दिलचस्प होगा। इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए तो आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और स्टोरी इन्जॉय करिए। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय, अपना ख्याल रखिए।